नमस्कार, मैं मंगल सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर क्लासेस में। आज क्लास में अपन सीखने वाले हैं वर्डपेड के बारे में। सबसे पहले अपन वर्डपेड चालू कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिखा रहा है टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन लिखा या नाम लिखा रहा है जैसे कि वर्डपेड। तो यहाँ ये जो वर्डपेड का ऑप्शन आ रहा है, यहीं से अपन इसको वर्डपेड चालू कर सकते हैं। सिंगल क्लिक करेंगे तो वर्डपेड यहाँ से चल जाएगा। यदि यहाँ पे वर्डपेड का ऑप्शन नहीं हो तो यहाँ से अपन सर्च करके भी चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे वर्डपेड के ऊपर तो ये वर्डपेड चल जाएगा। वर्डपेड चलने के बाद में यहाँ पे अपन पिछली क्लासेस में होम कमांड के बारे में पढ़ रहे थे और चार बॉक्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉन्ट, रेगाप, इंसर्ट और एडिटिंग बॉक्स। तो चारों बॉक्स अपन पढ़ चुके हैं होम कमांड के अंदर। लास्ट पाँचों जो बॉक्स बचता है वो है क्लिप बोर्ड बॉक्स, और वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्लिप बोर्ड बॉक्स के अंदर तीन ऑप्शन है यहाँ पे, कट, कॉपी और पेस्ट। आपको कट, कॉपी और पेस्ट करना हो तो यहाँ से आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अपन कोई भी नाम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने टाइप नाम टाइप कर लिया जैसे कि राहुल, और इसको सेलेक्ट करके इसकी यहाँ से साइज बड़ी कर लेते हैं ताकि और अपने इजी दिख जाएगा। फिर यदि इसी नाम को अगर आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना हो, कट, कॉपी और पेस्ट करना हो, तो यहाँ से अपन कर सकते हैं इसको। जैसे आपको यहाँ पर कॉपी करना हो तो सेलेक्ट करेंगे इसको और एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी आपको इसको ले जाना हो नीचे की तरफ यहाँ पर कर्सर वहाँ ले जाएंगे, और पेस्ट करना हो तो यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी एक बार कर लेंगे। अब जितनी बार पेस्ट करेंगे पे क्लिक करेंगे अपन, पेस्ट हो जाएगा। नीचे आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अपन ने कॉपी कर रखा भी, आप जितनी बार पेस्ट करना चाहो पेस्ट कर सकते हो। और यदि आपको ये राहुल जी यहाँ पर लिखा है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर नहीं चाहिए और अपन को यहाँ पर ऊपर चाहिए, तो यहाँ से इसको अपन कट भी कर सकते हैं। कट का ऑप्शन है, यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पर नीचे चाहिए अपन को, कर्सर को यहाँ लेकर आएंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी, आपको अगर कॉपी चाहिए, दो कॉपी, तीन कॉपी, जितनी भी चाहिए, तो यहाँ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। और कट करना हो तो अपने आपको यहाँ से यहाँ नहीं चाहिए और दूसरी जगह आपको ले जाना हो तो कट पेस्ट कर सकते हैं। और यदि शॉर्टकट की भी है, कट करने की कंट्रोल X, कॉपी करने की कंट्रोल C और पेस्ट करने की कंट्रोल V। तो अपन यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट का यूज़ शॉर्टकट की सहायता से भी कर सकते हैं। कंट्रोल C करेंगे, ये कॉपी हो गया, फिर अपने को जहाँ ले जाना है वहाँ पर ले गए और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से, ये पेस्ट हो जाएगा। और यदि आपको यहाँ से वर्ड हटाना है तो सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी कर देंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। तो कट, कॉपी और पेस्ट यहाँ माउस की सहायता से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की सहायता से भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो होम कमांड के अंदर जो पाँचों बॉक्स थे, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग और क्लिपबोर्ड बॉक्स, ये पाँचों बॉक्स अपन पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में अपन फाइल कमांड के अंदर जो भी सारे फंक्शन है वो अपन पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।